अवरोध के साथ, कौमा रुकावट के साथ, कौमा व्यवधान के साथ, व्यवधान के साथ, बाहर निकलती हो, उन्हें व्यंजन ध्वनियां कहते हैं या उन्हें व्यंजन कहते हैं। मुख्य रूप से व्यंजनों के, मुख्य रूप से व्यंजनों के तीन भेद किए गए हैं। मुख्य रूप से व्यंजनों के तीन भेद किए गए हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले आपका सिलेबस में भी है ये टॉपिक, हाई कोर्ट के सिलेबस में भी है व्यंजन। अपने आप में स्वर नहीं है उसमें, व्यंजन है। लेकिन देखिए, कोई भी टॉपिक डालने से पहले, हिंदी का चाहे कोई भी टॉपिक, अंग्रेजी का हो, भाषा का, प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से संबंधित होता है, सह संबंधित होता है। अगर आप स्वर नहीं पढ़ेंगे तो व्यंजन कैसे जानेंगे, व्यंजन नहीं पढ़ेंगे तो आगे के जो टॉपिक आएंगे उनको कैसे पढ़ेंगे। तो प्रत्येक टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से सह संबंधित है, रिलेटेड होता है, तो ये पढ़ना पड़ेगा। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले लिखिए, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय, बिल्कुल जीरो लेवल है बेटा, हाँ, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल, जो प्राइमरी में नहीं पढ़ा आपने वो यहां मिलेगा आपको। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव, दो उच्चारण अवयव कोष्ठक शुरू, कोष्ठक शुरू, दो उच्चारण अवयव कंठ, कौमा कोष्ठक के बाद कोष्ठक शुरू हो जाएगा, कंठ, कंठ ऐसे कर लोगे, कंठ, दंत्य, तालु, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल तालु, वत्स्य, तालु वत्स्य, दंत्य, दंत्य हो गया, ओष्ठ है, कोष्ठक बंद। वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय दो उच्चारण अवयव कंठ, दंत्य, तालु, मूर्धा, कठोर तालु, कोमल तालु, वर्त्स्य, तालु वर्त्स्य और ओष्ठ परस्पर स्पर्श करते हो, कोष्ठक बंद के बाद, कोष्ठक
कोष्टक बंद, परस्पर परस्पर स्पर्श करते हो, परस्पर स्पर्श करते हो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। वर्ग, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। के वर्ग, के वर्ग का पहला के, के वर्ग, के वर्ग का पहला के, खे, गे, घे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। प्रत्येक वर्ग में पांच वर्ण होंगे, पांच व्यंजन होंगे। ये के, चे, टे, ते, पे वर्ग के प्रथम वर्ण से ही उस वर्ग का नाम होता है, प्रथम वर्ण से ही। जैसे के है तो के वर्ग, के वर्ग का पहला के, केवर का पहला के, चेवर का पहला चे, टेवर का पहला टे, तेवर का पहला और पेवर का पहला पे। एक बार बोल के बताओ मुझे, केवर का पहला, बोलो पूरे बोलो, के चेवर को, आपने तो प्राइमरी भी पास नहीं की, क्या बोल रहे थे आप, एक बार और बोल के बताओ मुझे। विद्यार्थी क्या पढ़ के तो आ जाता है, ये लगा तो है, हाँ हाँ ठीक है हमने पढ़े हैं, लेकिन क्या कहीं ना कहीं वो उस प्राइमरी में जब पढ़ के आता है उस पे चला जाता है, क्योंकि विद्यालय में यही पढ़ाते हैं। के खे गे घे अणा खाली, चे छे जे झे अणा खाली, टे ठे डे ढे अणा खाली और ते थे दे धे ने, यहां उच्चारण सही होता है आपका। इससे पहले सा अणा खाली अणा खाली, पंचमाक्षर के लिए, पंचम वर्ण के लिए आप अणा खाली का यूज करते हो, प्रयोग करते हो कि नहीं। अणा खाली के अलावा फिर क्या करेंगे, के खे गे गे ना, चे छे जे जे ना, ते ठे टे ठे डे डे ना और ते थे दे धे ने पर रुकते हो। कौन सा वाला,
हाँ, तीनों को बताऊंगा, तीनों की बता रहा हूं। इन तीनों में आप अंतर नहीं कर पाते, इन तीनों को अनाखाली या फिर आप इया चिया, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं विद्यार्थियों को मैं देखता हूँ, चे चे जे जे चिया टे ठे ठे इया ऐसे बोलते हैं विद्यार्थी, लेकिन अंतर ऐसा प्रत्येक वर्ण में, के खे गे घे ग्यम, इसका जो उच्चारण होता है वो होता है ग्यम, के खे गे घे ग्यम, चे छे जे झे यम, इसका जो उच्चारण होता है यम, चे छे जे झे यम, टे ठे डे ढे अण, इसका होता है अण, अण जो आप बोलते हो, टे ठे डे ढे अण, अण, के खे गे घे, बोलो एक बार, ग्यम, के खे गे घे ग्यम, चे छे जे झे यम, टे ठे डे ढे अण, ते थे दे धे न, और पे फे बे भे म। प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण स्पर्श होते हैं, कैसे लेकर म तक सभी ध्वनियां क्या होती हैं, स्पर्श। कितनी हो गई, कितनी हो गई संख्या में, 25। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25। एक बार बोल के बताओ, के बहुत सुंदर, शर्म तो आ नहीं रही होगी, आती है क्या, बिल्कुल नहीं आती। यही विद्यार्थी के लक्षण है कि जब हम सीखे ही नहीं किसी चीज को तो शर्म क्या आएगी। एलकेजी यूकेजी में पढ़ाते हैं भाई, एलकेजी यूकेजी में पढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं अशुद्धि को लेके चल रहे हो आप आज तक। अब वही शुद्धि कंपटीशन में, अशुद्धि दूर होती है आपकी, कंपटीशन यही तो कहता है, आपकी छोटी सी मिस्टेक आपको कंपटीशन से बाहर कर देती है, वही धीरे 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 पुंज बन जाता है उन गलतियों का, उन अशुद्धियों का, और आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। बस कंपटीशन पास करने का यही तरीका है कि आप छोटी छोटी गलतियां, कभी कभी क्या होता है विद्यार्थी पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पाता, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ पाता, और प्रश्न पढ़ने से पहले ही आंसर दे देता है, और अंत में उस प्रश्न में ही ना छुपा होता है, नहीं होता है, मत होता है, कुछ ना कुछ होता है, और उसको ना पढ़ के, और जब परीक्षा हॉल से निकलता है और उसको देखता है, अरे यार ये तो गलत हो गया, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आते हो आप, जब आपने परीक्षा दी हो इससे पहले, तो आपको कंपटीशन का पता चलता है कि हाँ किन गलतियों की वजह से हम कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं। यही छोटी छोटी गलतियां करता है विद्यार्थी, ये जिसने नहीं की वही पास हो जाता है, वही सफल हो जाता है, इन छोटी छोटी गलतियों पर ही हमें निजात प्राप्त करनी है। तो कैसे लेकर मैं तक क्या होंगे, स्पर्श, इसका एक सूत्र डालिए, कादयो मावसाना स्पर्श, सूत्र होगा इसका, संस्कृत का सूत्र है, कादयो मावसाना स्पर्शः, कैसे लेकर मैं तक सभी वर्ण क्या होते हैं, स्पर्श, कैसे लेकर मैं तक, सूत्र अगर भूल भी जाओ आप, स्पर्श ध्वनियां कौन सी है कभी कभी रहता है, तो सूत्र याद रखना, कैसे लेकर मैं तक सभी स्पर्श, कादयो मावसाना स्पर्शः, कादयो मावसाना स्पर्शः, एक बार बोल के बताओ, उतारिए सर, नोट करिए, वर्ग वर्ग के साथ पूरा, क वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जहां समझ में ना आए वहां आप दोबारा पूछे, तिबारा पूछे, जब तक समझ में ना आए तब तक पूछे, कादयो मावसाना स्पर्शः,
किसमें? बिल्कुल पूरा लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? ये डे नहीं है, ये गम है, ये इसका उच्चारण है कि आपको बोलना कैसे है। कह खे गे गम लिखना यही है, लिखा यही जाएगा, ये उसका उच्चारण बताया मैंने। उच्चारण क्या करते हो आप इसका? जी, उच्चारण बताया है कि उच्चारण क्या होता है। तो इया चिया नहीं करना आपको, अना खाली नहीं करना है आपको। तो कह खे गे गम, चे छे जे जे यम, टे ठे डेढ़े हणा, ते थे दे धे ना, पे फे बे भे मा। कैसे लेकर म तक सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। उतार क्या जी, लिख लिए? बहुत बहुत सुंदर। अच्छा मैं पढ़ा रहा था तभी लिख लिए थे क्या? हंसते क्यों आप जी? अच्छा, नहीं बेटा हंसना नहीं चाहिए क्लास में, अशोभनीय है। हंसने वाली बात पे ही हंसा जाए, प्रत्येक बात पर नहीं हंसे, अच्छे विद्यार्थियों के लक्षण नहीं है ये, अशोभनीय होता है। कि आप किसी भी बात पर हंसे तो आप कहीं ना कहीं कुछ और कहलाते हो, अगर हंसते हो तो। हाँ हंसने की बात है, उस पर हंसे अच्छी बात लगती है, वो शोभनीय होता है। कैसे लेकर मैं तक क्या है? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट लिखिए अंतस्थ व्यंजन। अगला अगला लिखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे ध्वनियां जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण अंतस्थ भाग कोष्ठक में नाभि, अंतस्थ भाग कोष्ठक में नाभि, अंतस्थ भाग नाभि से होता हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। नाभि से अंतस्थ भाग नाभि से होता हो, वे ध्वनियां अंतस्थ ध्वनियां कहलाती हैं या उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन ये प्रश्न पूछा गया था साहब एक बार द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में, कि अंतस्थ ध्वनियों का सही क्रम है, अंतस्थ ध्वनियों का सही क्रम है। अंतस्थ ध्वनियों का सही क्रम है, ये प्रश्न पूछा गया था। और जब हम पढ़ते हैं, प्रश्न है अंतस्थ ध्वनियों का सही क्रम है, आंसर ए कौन कौन देगा जी? हाथ खड़े करें आप, एक विद्यार्थी। बी कौन कौन करेंगे जी? एक दो। सी कौन करेगा? और डी कौन करेगा? आप दोनों कहाँ जाएंगे? सोच रहे हैं पहले? सोच रहे, क्लास में नहीं हो आप, हंसने पर जोर दे रहे हो, क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिया। सी करेंगे। देखिए छोटी सी क्लास में ही आप अपने अपने खेमों में बट गए। ऑप्शन एग्जामिनर इसीलिए देता है कि आप गलती करो।
जब हम पढ़ के जाते हैं और हम इतना पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो इसको बदल देता है। बदल क्या देता है? आप पढ़ के जाते, खूब अच्छे से पढ़ा है आपने, ये वे रे ले या ये रे ले वे या ये ले रे वे, ऐसे घूमता है वो क्रम आपका, ये घूमता है कि आपने बचपन में पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, आपने कहा बी, आपने कहा सी, किसी ने कहा, इसका जो सही क्रम है वो है ए, ये रे ले वे जी। वही बता रहा हूं मैं आपको, जो क्रम पूछा जाता है हिंदी के अनुसार वो होता है ये रे ले वे। अगर हम इसको यण संधि में पढ़ते हैं तो क्रम हो जाता है ये वे रे ले। अगर हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो क्रम हो जाता है बी, संस्कृत के अनुसार भी यही है यण में। तो कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए एग्जामिनर यही इसी एग्जामिनर ने इसीलिए पूछा था कि विद्यार्थी पढ़ते कुछ है कहते कुछ, जब आपकी यण संधि चलेगी, जब हम यण संधि को पढ़ाएंगे तो उसका क्रम यही होता है और मस्तिष्क में यही घूम जाता है, यही रहता है, क्योंकि वर्ण विचार पर ध्यान नहीं कम जाता है उस समय, हम पढ़ चुके होते हैं उसको बहुत ज्यादा और इसको सरल समझ लेते हैं। वाह, वही है, उस पर हमारा पूरा फोकस रहता है। जब हमारा पूरा फोकस उस पर रहता है तो हम इसको कहीं ना कहीं विस्मृत कर जाते हैं। तो छोटी चीज ऐसा लगता है कि वर्ण तो थे, व्यंजनी तो थे, क्या ध्यान देना, तो उस पर ध्यान कम देते हैं, जबकि क्रम होता है ये रे ले वे। सही क्रम क्या होगा? अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम क्या होगा? ये रे ले वे। और इसके लिए एक मैं सूत्र बनाया है, यार लव हो गया जी। प्रश्न में कैसे पूछेगा? किसमें? प्रश्न में आएगा ना लिखा हुआ, कैसे लिखा आएगा? व्यंजन लिखा आएगा ना, बिल्कुल भाई, ये पूछेगा अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है, ऐसे पूछेगा ये रे ले वे, सही क्रम ऐसे भटकाएगा आपको, क्रम ये वे रे ले, ये ले रे वे, कैसे भी बदलेगा, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही आप ये वे रे ले, ये ले रे वे, ये वे ले रे, क्या होगा? लेकिन आप इस सूत्र को ध्यान रखना, सही क्रम होगा यार लव हो गया। यार इससे वो भूलोगे क्या? ये भूलने वाली चीज है क्या? हाँ जी, यार लव हो गया, ये रे ले वे, सही क्रम होगा ये रे, उतारिये इसको जी। किसका किसका? ये स्पर्श व्यंजन है, 25 है, कैसे लेकर मैं तक 25 है। इसका जो सूत्र, इसका जो बनेगा, इसका यही बनेगा, निम्न में से, निम्न में से कैसे बनेगा इसका, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है, है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन नहीं है, कुछ भी लगा सकता है वो एग्जामिनर, और आपको ऑप्शन में ये दे देगा और इसमें से एक डालेगा उठा के, या इनमें से 25 में से एक, चार तीन डालेगा, एक नहीं डालेगा, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है। आपको तो केवल ये याद रखने हैं कि कादयो मावसाना स्पर्शः, कैसे लेकर मैं तक सभी व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श, और अंतस्थ व्यंजन ये रे ले, चार ही लिखिए साहब, अंतस्थ व्यंजन ये रे ले वे। संख्या कितनी है जी? चार। संख्या कितनी है? चार। नेक्स्ट लिखिए अगला, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन वे ध्वनियां जी, तीसरा ही है, पांचवा तो है नहीं, तीसरा ही होगा, वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय
उच्चारण करते समय ऊष्मित, ऊष्मित कोष्टक में गर्म, गर्म गर्म ऊष्मित, ऊष्मित कोष्टक में गर्म, ऊष्मित प्राणवायु, ऊष्मित प्राणवायु बाहर निकलती हो, गर्म प्राणवायु बाहर निकलती हो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम होगा। ऊष्म व्यंजनों का सही क्रम, एग्जामिनर कैसे भटकाता है, मैं उसी पे काम करता हूं साहब। एग्जामिनर पिछले 10 वर्षों से यही काम कर रहा हूं, एग्जामिनर प्रश्न कैसे पूछता है और ऑप्शन कैसे रखता है, क्योंकि गलती कहां करता है? विद्यालय विद्यार्थी खूब पढ़ते हैं, खूब पढ़ाते हैं हम उनको, लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थी पढ़ी हुई चीज में ही गलती करके आता है और उसी से दूर होता है। जी मैं पूछ लेता हूँ, पूछ लेता हूँ कौन कैसे सही है। ए पर कौन कौन जाएंगे जी, हाथ खड़े करें, बहुत अच्छा। बी पर कौन कौन जाएंगे जी, सी पर कौन जाएगा जी, सी पर आधे अधूरे मन से नहीं करें आप, जब कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास पूरा हो तो हाथ पूरा करें साहब, और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता ना तो उसका ऐसे करता है। चार पे कौन कौन जाएंगे, डी पर, डी मतलब ए बी और डी। ए पर कौन कौन, एक बार और बताना, ए पर कौन कौन है जी? ये आपका आत्मविश्वास टूटा हुआ है कि आपने, मैंने जैसे दोबारा पूछा ना तो दूसरा राउंड आता है ना, फिर के एक बार पेपर कर लेते हैं तो दूसरे राउंड में आते हैं ना, तो टिक तो लगा रहा होता है उस पर, लेकिन उसको पढ़ते जाओ यार ये होगा कि नहीं होगा, इसको बदल देते हैं, इसको नहीं यार, मुझे लगता है कि यार उस बगल वाले में, बगल वाले ने इसको डी कर दिया है तो क्यों ना डी कर दे। तो आप कहीं ना कहीं पूरी क्लास को देख के फिर सोच रहे हो, ए पर कौन कौन है, बी पर, सी पर और डी पर। विडंबना देखिए तुम सबकी कि तुमने जो भी किया है वो गलत किया है। तुमने जो भी किया है यही है। अभी आपको ये बहुत सरल लगते हैं, लेकिन जब ये पूरी पढ़ लेते हैं ना हम, तो सह 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 कौन सा सह, कहां पर सह, केवल सह में ही तो भटका रहा है वो एग्जामिनर, केवल सह में ही भटका रहा है, सही तो बोलता है वो, आप बोलते हो, लेकिन तीनों का अंतर है, तीनों सकारों में, तीनों सकारों में अंतर है, और तीनों सकारों से एक बार फिर प्रश्न पूछ लिया गया, यहीं से यूपीएससी में भी पूछा गया था, आपके कम से कम 10 से 12 परीक्षाओं में एक प्रश्न पूछा गया था